जिले में दिनों कुत्तों का आतंक है। हालत यह है कि रोजाना तकरीबन आधा सैकड़ा लोग खून और कटे फटे घाव लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जानकर हैरानी होगी, लोग किसी लड़ाई झगड़ा या चोट लगने के चलते अस्पताल नहीं पहुंच रहे बल्कि शहर में घूम रहे आवारा कुत्तों के काटने से ये घायल हुए लोग हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 23 जिलों में 494 केस अब तक जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। कुत्ते घूमते रहते हैं, क्या उनकी क्या पकड़ने की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, क्या करें। किस तरह की परेशानियां होती है? परेशानी क्या, बच्चों को, बूढ़ों को, लड़कों को, कॉलेज जाते हैं बच्चे, कोचिंग जाते हैं, तो उनमें बच्चों को गाड़ी पैसे तो पकड़ती है ना कुत्ते। तो सुबह हमारे आसपास बहुत सारे डॉगी हैं और हमें उनसे डर लगता है, तभी हम बाहर नहीं निकलते। कुत्ते काटने की घटनाएं आ रही हैं और उसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है। हम लोगों ने वैक्सीनेशन की वाली व्यवस्था प्रॉपर है, हमारे पर्याप्त मात्रा में रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है, दोनों तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन और ARV भी दोनों उपलब्ध है और तुरंत इलाज दिया जाता है। पूर्ण रूप से हमारे रेबीज क्लिनिक भी हम लोग। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस को कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया, जेल के अंदर घुसने की कर रहा था कोशिश, चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को कामयाबी मिली है। नशीले पदार्थ के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया था। अब तक हम और आप सिर्फ दिल्ली और NCR के प्रदूषण की खबरों पर चिंता जाहिर करते थे, लेकिन अब ये जानलेवा प्रदूषण मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी अपने पैर पसारने लगा है। MP में कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है, सुबह हो या शाम हो हर वक्त स्मॉग नजर आता है। लोग बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली NCR ही नहीं, अब देश के कुछ और राज्यों में वायु प्रदूषण लोगों की जिंदगी में जहर घोलने लगा है। हम बात कर रहे हैं MP की, जहां राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर बढ़ते वायु प्रदूषण से हलाकान हो रहे हैं। इसके लिए लोग खराब सड़कों और कचरा जलाने को प्रमुख जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि घटती हरियाली के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ा है। जिन्हें सांस की बीमारी है, आजकल कुछ दिनों से ये स्थिति आ गई कि जिनको सांस की बीमारी है उन्होंने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि एयर में इतना पॉल्यूशन है कि जैसे ही वो सांस लेते हैं उनके फेफड़ों में समस्या होनी चालू हो जाती है। इस बारे में भोपाल कलेक्टर का कहना है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण चार पहिया वाहनों से हो रहा है। सभी वाहनों का PUC टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जो स्टडीज हुई है उनके तीन मुख्य कारण आए हैं। सबसे बड़ा कारण जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है और खास तौर पर जो अनफिट वाहन है जो चल रहे हैं उनकी वजह से धुआं ज्यादा निकलता है। इधर ग्वालियर में भी वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बना है। ग्वालियर में हवा खराब होने के चलते बच्चे, बुजुर्गों, दमा और अस्थमा के मरीजों पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, खांसी और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं शहर के लोग इस बात से नाराज हैं कि लापरवाह बना नगरीय निकाय और जिला प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। ग्वालियर में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है शहर में खुदी हुई सड़कें। इन सड़कों पर यातायात के चलते उड़ने वाले धूल कण हवा को जहरीला कर रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर शहर में करीब 12,000 से ज्यादा पुराने डीजल वाहन धुआं उगल रहे हैं। ग्वालियर का AQI लेवल लगातार घातक स्तर पर पहुंच रहा है। उधर जबलपुर में पॉल्यूशन का स्तर खतरे से कई गुना ज्यादा ऊपर चला गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में जबलपुर में प्रदूषण का स्तर 320 पहुंच गया है। शहरवासियों ने इस पर चिंता जाहिर की है। जो वाहनों में बढ़ोतरी हुई है जबलपुर में, तो वो सारा कुछ ऐसा कारण मिला के मुझे लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ा है और इसका परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। शहरों की आबोहवा खराब होना बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इससे निपटना भी आसान नजर नहीं आता। जरूरत है लोगों को खुद आगे आने की। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सरकारों और प्रशासन पर इसकी जिम्मेदारी डालते रहेंगे, हवा में फैल रहे जहर से निपटना आसान नहीं होगा। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध हथियार के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 12 पिस्टल मिली है, 5 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है। अवैध हथियार के साथ 6 आरोपी यहां गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी के पास से 12 पिस्टल भी मिली है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, और क्या जानकारी इन आरोपियों को लेकर मिल पाई है?
देखिए, अभी तक क्राइम ब्रांच को जो जानकारी सामने आई कि ये सभी आरोपी पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं, धामनोद आए थे, धामनोद से अवैध हथियार लेकर जा रहे थे। इसके पहले भी कई बार ये इस तरीके के जो अवैध हथियार है उसकी पंजाब तक तस्करी कर चुके हैं। इनका एक बड़ा नेटवर्क भी अभी तक सामने आया कि जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं उनसे भी जुड़ा हुआ कुछ नेटवर्क सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, खासतौर पर अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के आसपास में सिकलीगर का एक बड़ा अवैध मार्केट का बाजार है। धामनोद, सेंधवा और आसपास के जो जिले हैं वहां से अवैध हथियारों की तस्करी बड़ी मात्रा में होती है, कई बार बड़ी कार्रवाई करने देखने को मिलती है। और खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, इन चार राज्यों में, मध्य प्रदेश के इंदौर के आसपास कुछ जिलों से अवैध हथियारों की तस्करी होती है। फिलहाल अभी जो नेटवर्क सामने आया है वो उसमें बड़ा जो जानकारी सामने आई कि खालिस्तान समर्थकों से भी इनका कुछ कनेक्शन सामने आया है, कुछ व्हाट्सएप चैटिंग की बात सामने आ रही है, तो उन सब एंगल पर जांच करी जा रही है। लेकिन इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई है, छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनोवा कार से ये जा रहे थे, बाईपास पर रोक कर जांच की गई, मुखबिर से सूचना मिली थी, 12 अवैध हथियार और करीब 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो एक क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ चल रही है, बड़े खुलासे होने की उम्मीद कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।